So, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के दो फॉर्मूले जिसके ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है और हमें इस फॉर्मूले को यूज करते हुए अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। सो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला जो है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स और फाइंड द nth टर्म, फाइंड द nth टर्म और फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। नाउ फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सीक्वेंस है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 2, 4, 6, 8, 10 up to nth term। नाउ अब इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें nth टर्म फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल nth टर्म मीन्स अप टू 12th, 12th टर्म क्या है? अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है, तो 12th अप टू 12th यहाँ पे आएगा, 6, 7, 8, तो 12th टर्म क्या है? तो डायरेक्टली हमें वो 12th टर्म फाइंड आउट करने के लिए इस एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। नाउ यहाँ पे ए जो है फर्स्ट टर्म है, एन नंबर ऑफ टर्म, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम 12th टर्म फाइंड आउट कर रहे थे तो हम यहाँ पे 12 पुट करेंगे और डी कॉमन डिफरेंस है। नाउ यहाँ पर अब हम कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, 12th टर्म, 15th टर्म, 30th टर्म, कुछ भी। तो हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, अब 12th टर्म फाइंड आउट करेंगे फॉर एग्जाम्पल। सो यहाँ पे हम ए 12 इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, तो इसको प्लस, एन की वैल्यू क्या है 12 माइनस 1 करेंगे और कॉमन डिफरेंस हमारा, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना पड़ता है, तो ए 2 माइनस ए 1 करेंगे, ए 2 माइनस ए 1 करेंगे तो कितना आएगा 4 माइनस 2 इज 2 इंटू 2। नाउ ए 12 इज इक्वल्स टू 2 प्लस कितना होगा ये 12 माइनस 1 11, 11 इंटू 2 कितना है होगा, ए 12 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 11 टू 22। नाउ ए 12 इज इक्वल्स टू 24। नाउ हमारा 12th टर्म जो है वो है 24। इसी तरीके से आप इस फॉर्मूले को यूज करते हुए 15th टर्म, कौन सा भी टर्म निकाल सकते हैं। नाउ अब हम देखेंगे हमारे पास एक गिवन एपी है 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 एंड अप टू nth टर्म। नाउ अब हमें जो है फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है अप टू 12th टर्म या फिर कोई कौन सा भी टर्म हो, 15th टर्म हो, 30th टर्म हो, कौन सा भी टर्म हो सकता है। नाउ सो इसका सम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब आप पर्टिकुलरली 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 करते जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। सो इसके लिए एक फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, फर्स्ट एन टर्म्स। सो फॉर्मूला है s इज इक्वल्स टू n बाय 2 टू ए प्लस n माइनस 1 डी। नाउ यहाँ पे भी n जो है नंबर ऑफ टर्म्स है और a हमारा फर्स्ट टर्म है और d हमारा कॉमन डिफरेंस है। नाउ अब हमारे पास एक ap है तो हम इस ap में 12th टर्म का अप टू 12th टर्म का सम फाइंड आउट करेंगे। सो s 12 इज इक्वल्स टू n कितना है, n नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2। हम 12th टर्म तक फाइंड आउट कर रहे हैं तो 12 रख दिया मैंने यहाँ पे वैल्यू। अगर आप 15th टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाय 2, 16 डिवाइडेड बाय 2 रखना पड़ेगा आपको। सो नाउ 2 इनटू a की वैल्यू क्या है, a यानी फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है 2, 2 इनटू 2 प्लस n माइनस 1, 12 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस हियर, सो फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, a2 माइनस a1 कितना आएगा 2। नाउ इट इज इक्वल्स टू 6 2 टू द 4 प्लस 11 इनटू 2। नाउ इट इज 6 इनटू 11 टू द 22, 22 प्लस 4 26। नाउ 6 इनटू 26 इट इज 156। नाउ अब तो ये हम इनफाइनाइट एपी में एप्लीकेबल होता है या फिर फाइनाइट एपी में भी। नाउ अगर हमारे पास फाइनाइट एपी है तो हमें इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फाइनाइट एपी के लिए फॉर्मूला है, फाइनाइट एपी में हमें लास्ट टर्म दिए वाला रहता है तो उसके लिए फॉर्मूला है s इज इक्वल्स टू n बाय 2 इंटू ए प्लस एन। नाउ इसके एप्लीकेशन हम आगे आने वाले क्वेश्चन में करेंगे।